नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल ललन टॉप डॉट कॉम और ललन टॉप चुनाव यात्रा की टीम हीरा फिलहाल भोपाल के इतवारा में है। हम आए थे चुनावी चर्चा करने के लिए, लेकिन हमें बताया गया कि भोपाल आए हो तो यहाँ की सुलेमानी चाय पीकर जरूर जाओ। हमने पूछा कि बढ़िया कहाँ मिलती है, कहा गया इतवारा जाओ, और इतवारा में हाजी पप्पू भाई की दुकान है। ठीक है, तो ये जो चाय है ये बाकी सुलेमानी चाय नाम में भी अलग है और इसका बनाने का तरीका भी अलग है। मैं पहले बनाने का तरीका आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद ये बताऊँगा कि नवाबों के दौर से कैसे ये चाय, इसका इतिहास क्या है। ठीक है, शौकीन लोगों ने शुरू की थी, अभी भी शौकीन लोग पीते हैं। ठीक है दोस्त, आपका नाम क्या है? दानिश। अच्छा, आप ही की ये दुकान है जी? कितनी पुरानी दुकान हो गई? 45 साल हो। ये 45 साल पुरानी दुकान है और 45 साल से यहाँ पे एक रेसिपी। अच्छा, सबसे पहले क्या किया जाता है सुलेमानी चाय बनाने में, आप बताएंगे? भैया का नाम क्या है, अपना नाम क्या है दोस्त? कल्लू। कल्लू भाई, सबसे सुलेमानी चाय बनाने में सबसे पहले क्या करते हैं? पहले पानी रखा जाता है। दुकान के आ जा भाई, कुछ रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, कल्लू भाई। हाँ, सबसे पहले पानी उबाला जाता है। पानी उबालने के बाद शक्कर पत्ती डालते हैं, फिर नमक डालते हैं उसके अंदर। अच्छा। और नमक भी कोई खास तरीका होता है कि आम ही जो नमक अंदाज से डाला जाता है, ज्यादा नमक ना हो? अच्छा, सादा नमक जो अपने घर में रहता है, ये मोटा वाला, बड़ा वाला नमक, डल्ली। अच्छा, वाला। एक डल्ली वाला नमक। अच्छा, ये बोरे में वही रखा है क्या? इधर होगा, देखो ये वाला नमक, ये डल्ली वाला, ये नमक डाल। और कहाँ से लेते हैं इसको अपन? जुमेराती से। अच्छा, ये पास में जुमेराती इलाका है, वहीं से। ठीक। फिर इसमें आपने पानी डाला, पत्ती डाली, पानी डाली, नमक डाला, डाल दिया। फिर क्या, दूध अलग रहता है और ये वाली चाय अलग रहती है। अच्छा, ये दूध में नहीं पकाई जाती? नहीं, है दूध में नहीं, खाली ये पत्ती और नमक और शक्कर। अच्छा, और पत्ती भी कोई खास होती है या फिर? अच्छी वाली पत्ती होती अच्छी है। अच्छी वाली पत्ती होती है। कहाँ से मंगाई जाती है पत्ती? है ये जुमेराती से आती है। अच्छा, ये दोनों एक ही पत्ती, एक ही काम हो रहा है कि अलग अलग? दोनों एक ही काम है, एक ही काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे चाय, अच्छा कुछ प्यालियों में यहाँ पे मलाई निकली हुई है। ठीक है, इसी में चाय देंगे? नहीं, अलग से होती उसकी प्याली। अच्छा, उसकी प्याली अलग, चाय की प्याली अलग है। ठीक है, वो देखेंगे एक एक करके। अच्छा, तो और ये जो आपका इंतजाम है यहाँ पे, तो ये चाय, तो इसके ऊपर कपड़ा क्यों बंधा हुआ है? कपड़ा इसलिए बंधा है कि पत्ती छनती है। अच्छा, उसके ऊपर से आप डालते, यही आपकी छन्नी? हाँ। एक चाय बना के दिखाएंगे? हाँ, बना लेंगे एक चाय। ये दूध अलग उबल रहा है, चाय अलग है, दूध अलग है, चाय अलग है। अच्छा, दोनों अलग 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 अलग, ये चाय है, दूध है। ये दूध डाल दिया मैंने, ये चाय डाल दी, ये चाय हो गई तैयार। और नहीं उबालेंगे सीधा? बस ये इधर गर्म होती है, वहाँ उबल जाती है भट्टी पे, खाली गर्म करते हैं इधर बस। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत बेसिक है, लेकिन नाम इसका बड़ा तूफानी है। ठीक है, वो भाई साहब कहाँ गए मुझे बताने वाले थे कि नवाबों के दौर में कब चालू हुई थी। ठीक, कहाँ गए मेरे चाय विशेषज्ञ, कहाँ गए? अच्छा सर, मैं ढूंढ रहा था आपको। आइए, इधर आइए, मैदान में आइए। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शफीक है सर। अच्छा, क्या करते हैं आप शफीक जी? माली करता हूँ मैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि बड़ा पुराना इतिहास है इस चाय। 1837 में चालू हुई थी ये चाय। 1837 में? 37 सुल्तान जहाँ बेगम के जमाने में। अच्छा, 1837 में चालू हुई थी ये चाय। अच्छा, और सबसे पहले मतलब उनका कोई खास बावर्ची था जिसके दिमाग में आया कि ऐसे बना के देंगे? उस टाइम में था ही नहीं। अच्छा, अरे सर मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं नहीं था, मुझे बस जितना हिस्ट्री मालूम है उतना बता रहा हूँ। 1837 में चालू हुई थी ये चाय। अच्छा, और इसको ये नाम किसने दिया, इसे सुलेमानी चाय किसने कहा सबसे पहले? भाई ये जो है नमक डलता है तो उस वजह से सुलेमानी कहते हैं इसको। अच्छा, हाँ। अच्छा, और सुलेमानी का मतलब क्या होता है वैसे? भाई मुसलमानी चाय। अच्छा, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने पूछा। मुसलमानी चाय सुलेमानी का मतलब है। अच्छा, और यहाँ अपन जहाँ खड़े हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं चाय पीने? जहांगीराबाद, सायनाबाद, पूरा भोपाल आ जाता है लगभग। भोपाल, पुराना भोपाल, नया भोपाल, सभी लोग आते हैं इधर। अच्छा, और यहाँ पे कौन कौन चाय पी के गया इस दुकान पर इससे पहले? राजा मुराद चाय पी के गए यहाँ, और भी कई कलाकार आए हैं यहाँ पे अपने जमाने में, दिलीप साहब भी आए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये बात तो आपका एक मुख्तसर सा किस्सा चाय का हो गया। ठीक है, बाकी अब माहौल पे बात करते हैं। ठीक है कि यहाँ पे क्या माहौल रहा है, चुनाव कैसा चला है यहाँ पे? आज प्रचार अभी बंद हो गया? नहीं, चुनाव पे नहीं आओ भाई साहब, हमने चाय की, आपने पूछी चाय की बात करती। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा क्या नाम है भैया आपका? आसिफ। अच्छा, आसिफ जी क्या करते हैं आप?
मैं ठेकेदारी करता हूँ, सब मकान मकान बनाता हूँ भाई के साथ। अच्छा, तो अब प्रचार वैसे भोपाल में बंद हो गया है, लेकिन कैसा रहा है यहाँ पे चुनाव? भैया थोड़ा सा आप इधर हो जाएंगे, इधर लाइट उधर से आ जाए। हाँ, चुनाव, हाँ जी, चुनाव का माहौल चल रहा है साहब। अब देखना ये है कि यहाँ से जीतता कौन है। अच्छा, वैसे तो दिग्विजय सिंह जीत रहा है यहाँ से, क्योंकि आतंकवादी को खड़ा करा है ना उनने इस वजह से। अच्छा, उन पे केस चल रहा है और उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया, अब आतंकवादी को तो वोट कोई देगा नहीं। लेकिन फिलहाल वैसे अदालत पे मेरे ख्याल छोड़ देना चाहिए, अभी फैसला आने का है ना। तो हुआ तो नहीं ना, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बंद हैं, बरी भी नहीं हुई। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो बरी भी नहीं भाई, तो हम तो आतंकवादी कहेंगे अभी जब तक अदालत में फैसला है। अच्छा ठीक है, और कोई शिकायत आपको? शिकायत कुछ नहीं है, जिससे लड़ाई कर रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, ये अभी के कैंडिडेट्स हो गए। मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पे 5 साल अभी सांसद बीजेपी के ही रहे हैं, ठीक है, और उससे 89 के बाद से, ठीक है, तो आपके इलाके में कितना काम करवाया है उन्होंने या नहीं करवाया? हमारे इलाके में तो काम ही नहीं हुआ, आप खुद देख लेना कभी दिन में आके, आप 2-व्हीलर से नहीं जा पाएंगे यहाँ से निकल के। ट्रैफिक की दिक्कत है, सारी चीजों की दिक्कत है। वो पहली बार सांसद जीता, कभी सांसद यहाँ पे घूम के आप पता करें, सांसद इधर आते ही नहीं है। तो इतनी फेमस यहाँ चाय, सांसद साहब पसंद नहीं करते हैं क्या चाय? सांसद साहब को पुरानी सिटी पसंद ही नहीं है। सांसद दूसरा जिला बना दो, वो कहते हैं दूसरा जिला बना दो इसे। इस तरह का कोई बयान रहा है उनका? नहीं, बयान तो नहीं रहा, लेकिन उनके एटीट्यूड से लगता है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? हाँ ठीक है ठीक है। तो एक ट्रैफिक के बारे में भाई साहब बता रहे थे, आप वैसे आपका नाम क्या है? सैयद आमिर अली। आप क्या करते हैं? मैं भी कंस्ट्रक्शन का ही काम करता हूँ। अच्छा, आप भी ठेकेदार हैं? जी। ठीक है, तो ट्रैफिक के अलावा क्या तकलीफ है मतलब इतवार की? ट्रैफिक के अलावा बहुत ज़्यादा तकलीफ ये है कि देखिए, मूलभूत जो सुविधाएँ होती हैं, बिजली पानी सड़क, उसमें कोई तरक्की नहीं हुई, कुछ भी नहीं बनाया गया। और सांसद का काम बड़े लेवल का, कोई स्कूल नहीं, कोई सरकारी कॉलेज नहीं। सबसे नज़दीकी कितना पड़ता है स्कूल? सरकारी स्कूल यहाँ से 1 किलोमीटर करीब है। अच्छा, मतलब हाँ, इलाके तो में पुराना है, सन 56 का है। अच्छा, हाँ, बहुत। पढ़ाई कैसी है वहाँ पे? पढ़ाई बस ठीक ठाक है, क्लासरूम ही सही नहीं है, पानी टपक रहा। अभी हाल में ही उसकी बिल्डिंग गिरी। कब की बात है? अभी 1 महीने पहले की। 1 महीने? 1 महीने पहले उसका बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। अच्छा, तो बच्चे अभी उसी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं? हाँ, उसी में, अभी तो मतलब छुट्टी है, पढ़ेंगे उसी बिल्डिंग में। अच्छा, तो आपके परिवार में बच्चे हैं फिलहाल? हाँ, है ना, बहुत सारे। क्या आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ें वो? बिल्कुल चाहते हैं पढ़ें, दिल्ली में देखो आप, दिल्ली में सरकारी स्कूल का नहीं, जो जैसा जैसा यहाँ है वैसा कह रहा, मतलब यहाँ की क्वालिफिकेशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं चाहता मैं सरकारी में पढ़ूं। आप उन्हें फिर प्राइवेट में दाखिला दिलाएं? मजबूरी है ना, आप क्या करें, अब सरकारी में अच्छी पढ़ाई होगी तो सरकारी में डालेंगे, ना पढ़ाई है ना टीचर है। एक ट्रैफिक की तकलीफ हुई आपकी, और यहाँ पे स्कूल आप लोगों को ढंग के नहीं मिल रहे हैं? नहीं है, ना शादी हालें जो ऐसे हों, शादी हाल या कम्युनिटी हाल, जो सभी धर्म के लोग आके मिल के उस पर अपना प्रोग्राम वगैरह, कम्युनिटी स्पेस जहाँ पे आप लोग कार्यक्रम करवा सके कोई छोटा मोटा कम से कम, है ना? हमारे पास में सही दिया ग्राउंड करके वहाँ पे होते हैं प्रोग्राम वगैरह। एक और चीज़ में जाना कि आप सबसे नज़दीकी सरकारी अस्पताल कौन सा लगता है? अभी हमीदिया है बड़ा, शाकिर अली है, उसके बाद फिर बड़ा हमीदिया है। हमीदिया सरकारी है दोनों? हाँ ठीक है, तो मैं इनसे जान, सर अपना नाम क्या है? जुबैर खान। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? बेंगल्स बनाता हूँ, चूड़ी का काम। अच्छा, क्या किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाते हैं आप? कहे बनाता हूँ, ब्रास के ऊपर, ब्रास के कड़े बनाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बारीक काम होता है? बहुत बारीक काम। अच्छा, तो एक तो यही हो गया, एक हम एक अभी तो मेरे ख्याल नहीं हो रहा होगा, दिन में करते होंगे आप? नहीं, अभी काम बने, 1 महीने काम बन रहे। अच्छा, रमजान में बंद रहे। मैं अभी जयपुर गया था, वहाँ हमने खुद भी देखा, अपने दर्शकों को भी दिखाया कि लाख का काम कैसे होता है, गर्म लाख भट्टी भी होता है। खैर, तो कैसा 5 साल में कैसा रहा है यहाँ पे सांसद का भी काम, और आपका बिजनेस कैसा चला है 5 साल? बिजनेस में हमें तो GST ने मार डाला हमको, तो अच्छा, हमें तो GST से मारे हमको, क्योंकि 18% करीब, 3% करीब। आज मतलब बम्बई से माल लाते हैं, अपना GST नंबर देते हैं, पार्टी कहती लाओ 30,000 रुपये, आज 10% के, तो 9,000 रुपये, आज 900 रुपये GST लग जाती है। तो अपन के पहले कितने का धंधा कर लेते थे? वही पार्सल पहले 300 रुपये का आता था, 800 रुपये का आ रही है। अच्छा, क्या करें इस पार्सल। कितना मार्केट आपका कट हुआ है GST की वजह से? कम से कम महीने का 30,000-40,000 का कट हुआ। इतना आप नुकसान उठा रहे हैं? हाँ, उठा रहे हैं ना, क्योंकि लेबर भी है, सब कुछ है, वो जो कमा रहा था वो जा रहा है, ये पेड़ भर रहे हैं, अब तो बचे कुछ नहीं। कितने लोग होंगे चूड़ी का काम करने वाले भोपाल में? 4-5 कारखाने। अच्छा, कारखाने हैं, तो अपना भी कारखाना ही है। ठीक है, और कितने लोग जुड़े होंगे इससे
कुल मिला के 400 लोग जो 400 लोग, मतलब एक छोटा उद्योग है। और तो ये कब से हो रहा है काम, ये चूड़ी का? वैसे यहाँ पर 8 साल से हो रहा है। 8 साल से, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, अभी चालू हुआ। अच्छा, तो मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं पास के, वहाँ पे कैसी सुविधा मिलती है? आज तक गए नहीं डर के मारे, एक को ले गए तो वो ख़त्म ही हो गए। अच्छा, हाँ गए नहीं हम तो आज तक, प्राइवेट ही जाते हैं। आपकी चाय आगे सर, आप भी ले लो चाय। लेता हूँ लेता हूँ, बातचीत मेरी हो जाए जी। लेते हैं बोल दो भाई, दो चाय बोल दो भाई। अरे यार यार, अरे बिल्कुल लेंगे, पहले बता तो दें लोगों की कहाँ है। हाँ आप कह रहे थे, कब की बात है वैसे वो जो आप बता रहे हैं कि ख़त्म हो गए? 7-1 महीना होगा, पी लिया हुआ है तो उसको कोई इलाज नहीं। डॉक्टर सुबह आते हैं 8 बजे, 12 बजे गायब होते हैं, शाम तक नहीं दिखते। 12 बजे चले जाते हैं, फिर 2 डॉक्टर दिखते हैं पूरी रात। अच्छा, वो भी सोते रहते हैं। ये तो हाल है सरकारी हॉस्पिटलों की। ठीक है, शुक्रिया। चाचा आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाहिद नाम है। क्या करते हैं आप? कपड़े का काम करते हैं। कपड़े का काम करते हैं, सिलते हैं क्या करते? नहीं, खड़ा कपड़ा बेचते हैं। यार एक चीज दोस्त, मुझे एक चीज ये दिखानी है कि एक हाथ में 3 प्याले, ये कभी गिरते नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज, तो ये आपने प्रैक्टिस से किया है या और भी लोग कर लेते हैं, ये सिर्फ आप ही का स्टाइल है? नहीं, ये हमारा भाई कर लेते हैं, कल्लू भाई भी है, ये भी कर लेते हैं। तो ये कल्लू भाई का आइडिया था कि एक हाथ में 3 भी जा सकती है? 3 नहीं, 4-5 चली जाती है। 4 चली जाती है, 4 रख के दिखाओगे? ए आया मैं आपके पास आया, भाई ने 3 रखी है, 1/4 भी रख के दिखा रहा है। अरे बाप रे। अच्छा, 4 आ जाएगी अभी, एक और भी रखा है, एक और आ जाएगी। नहीं नहीं, इतनी दे दो, गिर तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं, आ रहा हूँ, 1 मिनट रखा बता। स्टाइलिस्ट आप? खैर, कपड़े का काम करते हैं आप, ठीक है। कैसा काम चला है आपका इन दिनों? अभी तो रमजान में 1 महीने बंद रखता हूँ, बाकी बाकी जो अपने 11 महीने और आप काम करते हैं, तो कैसा बिजनेस मिला है आपको? तो हल्का ही रहा अभी, जब से GST लगी है जब से। अच्छा, मामला गड़बड़ है, मगर ये बार रोटी चल रही है। अच्छा, तो बस चल जा रहा है, ठीक है। तो इस बार कुछ लोगों से मैंने बात की, वो तो बड़े गर्म थे, है ना, वो या तो इस तरफ का कहते हैं या तो उस तरफ का कहते हैं। आप बहुत पुराने आदमी, आपने बहुत पुराना वक्त देखा है, ठीक है। तो भोपाल में रौनक बढ़ी है इन 30 सालों में कि कम हुई है? 3 बजे के बाद कोई आता नहीं था यहाँ इतवारे में। अच्छा, 3 बजे के बाद नहीं, रमजान की बात, बाकी भी बगैर रमजान के भी दिन में ही नहीं आता था, रात की तो बात बहुत दूर। क्यों नहीं आते थे लोग? भाई डर था, या चारों तरफ शेर चीते वगैरह रहते थे, जंगल था पूरा एरिया। अच्छा अच्छा, यहाँ गेट बने हुए थे, तोड़ डाले लोगों ने, नवाब साहब बंद करवा देते थे अंदर, नवाब साहब, बाकी लोग बाहर। अच्छा, ये पास में कुछ नवाब साहब की प्रॉपर्टी है क्या? सब पूरी प्राप्ति नहीं की। अच्छा, इधर पीछे के इलाके में? पूरे इलाके में, पूरे यहाँ से वहाँ तक, पूरा भोपाल जनता नवाब साहब की प्राप्ति है और किसी की नहीं। अच्छा, चार चाय भर दो। और फिर उसके बाद मतलब ये कब की बात कर रहे हैं अपन? तो बहुत है ये, हम 46 की बात। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर बढ़ते बढ़ते रौनक, पिछले 30 साल यहाँ पे BJP का सांसद रहा है ना, उन्होंने कितना काम करवाया है आपके से? करवाया बस ये कि पुल बनवा दिए हैं 2-4 यहाँ पे नाम के लिए। अरे बाप रे, ये दो दे आओ दे आओ दे आओ, ठीक ठीक भाई, अपना फैंटम है। 2-4 पुल बने हैं, बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये अंदर और ये इलाका साफ वाफ होता है? हाँ हो जाता ना, महापौर करवा देते हैं, वो इनका एरिया है ना यहाँ का। अच्छा ठीक है, मतलब साफ सफाई होती है यहाँ पे ना? जब यहाँ नहीं होती, अंदर होती, यहाँ नहीं होती है, यहाँ कह कर करवाएंगे? मुसलमान का एरिया, ये काय को करवाएंगे आप, वो अपने एरिया में कराएंगे? अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी कि वो अपने इलाके में कराते? यस भाई, उसको देखो आप, टाइल्स वाइल्स लगवाए उसने वहाँ पे। कितना दूर है वो इलाका यहाँ? यही तो है, सामने तो है, चौक कहलाता है, यहीं का है वो। तो चौक पे सफाई होती है और इतवारा में नहीं होती है? थोड़ा बहुत तो कचरा उड़ता होगा मेरे ख्याल। थोड़ा बहुत तो क्या, वो तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, जो कचरा होता है लोग डाल देते हैं, गाड़ियाँ चलवाई हैं उसमें महापौर ने बस। अच्छा, और कोई सफाई नहीं है बाकी। ठीक है, शुक्रिया। आप कहीं निकलने वाले तो नहीं थे? आपको रोक लिया मैंने बात करने के लिए, ठीक है। मैं और कुछ लोग से पूछ के देखता हूँ कि उनको बात करने में अगर दिलचस्पी हो तो। दोस्त थोड़ा, 5-1 मिनट है आपके पास? ठीक है। क्या नाम है दोस्त आपका? अब्दुल मुईद। अच्छा, क्या करते हैं आप? भाई स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? BBA फर्स्ट ईयर। तो अभी 12th के बाद आपने इसी के लिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दी थी आपने? नहीं नहीं, यही दिया, यही। और आप रहने वाले भोपाल के हैं? जी, भोपाल के रहने वाले। अच्छा, तो आप इस बार वोट देने वाले हैं?
बिल्कुल देना है। अच्छा आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस बार? नहीं सेकंड टाइम। अच्छा एक बार आप दे चुके हैं, इससे पहले एमएलए वाले जो हुए थे वो दिए थे। अच्छा सांसद के हिसाब मतलब एमपी पहली बार आप चुन रहे हैं मेरे जी, जी, जी। ठीक है पार्लियामेंटेरियन आपका पहली बार आप पहली बार है ठीक है। क्या चीजें दिमाग में है आपके चुनते हुए जिसको भी आप वोट देंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं वोट देना चाहूंगा दिग्विजय सिंह को, वो जो इस वजह से भी हाँ। मैं बताता हूँ क्यों देना चाहूंगा, उसकी भी कुछ वजह है। देखिए हमारे जो अपोजिट पार्टी है वो प्रज्ञा है ठीक है, अब वो जो है वो रिलीजन को सामने लाती है हर चीज के अंदर, बोलती है बिल्कुल बकबक करती है रिलीजन को, मतलब बिल्कुल साफ साफ हर कुछ बोल देती है वो। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है मगर दिग्विजय जो है वो सपोर्ट में रहता है। हम चाहते हैं अपनी नेता नगरी के अंदर रिलीजन का कुछ भी रोल हो ही नहीं, सब एक बराबरी से देखे जाए, इसीलिए हम जो है दिग्विजय को वोट देंगे। अच्छा भाई चाय ले गए आपकी, लौटा दो यार ठीक है। अच्छा और कोई बात? बस ये एक प्रॉब्लम है, यही एक प्रॉब्लम है। तो आपको दिग्विजय के पोल प्रॉमिसेस जचते हैं जो जिस तरह के वादे उन्होंने किए उनका मैनिफेस्टो? या कांग्रेस जो है वो अभी वादे निभा भी रही है ना। अच्छा कांग्रेस निभा भी रही है, मानता हूँ अगर प्रज्ञा की वजह अगर शिवराज सिंह खड़ा होता तो मैं जरूर शिवराज को देता। अच्छा हाँ मगर मैं अब दिग्विजय को दूंगा। अच्छा हाँ तो मुझे बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बंदा वो चाहिए जो रिलीजियस को बीच में लाए नहीं। अच्छा हाँ ठीक है शुक्रिया थैंक यू। आप ठंडी तो नहीं हो रही चाय? नहीं, नहीं, आप भी मैं लूंगा अभी लाइव। दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिदुल्ला खान। क्या करते हैं आप? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ साथ में। अच्छा किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? बी कॉम कंप्यूटर। आप बी कॉम कर रहे हैं ठीक है, और कौन से ईयर में? फाइनल ईयर सर। फाइनल ईयर तो फिर इसके बाद आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर और पढ़ाई करेंगे? नहीं नहीं काम करूंगा, उसके बाद बिजनेस करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा बिजनेस करेंगे ठीक है, तो बिजनेस को लेके मतलब कैसा माहौल है? भोपाल में रह के करेंगे बाहर जाने का कोई प्लान है? अब देखो अल्लाह मालिक, हमारा फैमिली बिजनेस भी है, फार्मिंग वर्क है हमारा। ओके तो इंशाल्लाह वही। तो कितनी नौकरियां हैं मतलब आपके लिए अवेलेबल जो आप मतलब कर लेंगे? अरे नौकरी की तो बात ही मत करो यार भाई, नौकरी तो बिल्कुल किसी को भी नहीं मिल रही आजकल, देख रहा हूँ आप इंजीनियर भी हो जो भी एमबीए करे हुए हैं आजकल गली गली पे मौजूद हैं, लेकिन उनको भी नौकरियों के लिए भटकना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा ही। ओके तो आप इस बार फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ मैं फर्स्ट टाइम हूँ। अच्छा तो आप जब वोट देंगे जिसे भी दें पहले नाम ना बताएं, क्या सोच के देंगे? भाई देखो बात ये है जो अच्छा नेता होगा उसको वोट उसे ही देना चाहिए आप। अच्छा देखते हैं, तो जहाँ तक ये है अभी कांग्रेस आई है तो जो उसने वादे करे थे वो निभाए पूरे। अच्छा। उसने बोला था कि 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ होगा, वो माफ हुआ है। तो कुछ कुछ जगह ऐसे शिकायतें हैं वैसे कि नहीं भी हुआ है? नहीं नहीं हुआ है, हमारा तो हुआ है, हम तो किसान हैं, हम बता रहे हैं। अच्छा आप किसान हैं जी? हम किसान। क्या क्या उगा लेते हैं? हमारा सब होता है, गेहूँ होता है, राइस होती है, और चावल ले लेते हो? कहाँ है खेत? ये अपना चिकलोत पे। चिकलोत पे ठीक है, वैसे ये बेल्ट गेहूँ का है वैसे? खैर नहीं नहीं अब ज्यादा धान का है, राइस का है, धान लेने लगे। वैसे ये एक थोड़ा मतलब कहना तो नहीं चाहिए आदमी का लालच, जैसे मैंने देखा, आपका नहीं कह रहा हूँ मैं ठीक है, राजस्थान में जहाँ जहाँ इंदिरा गांधी नहर है उसके आसपास आपको आपको गेहूं के खेत दिखते हैं ठीक है, जो कि फसल उस क्लाइमेट को वहाँ जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसको अग्री नहीं करती है, वैसे ही मुझे धान के मामले में लगता है। गेहूँ तो बहुत बढ़िया होता है अपने एरिया में, गेहूँ ज़्यादा अब बढ़िया धान होने लगी है पूछिए। अच्छा। इसलिए क्योंकि बेतवा नदी वहीं पर ही है सबकी। अच्छा। तो वो जो धान का रहता है तो पानी है उतना कि धान हो जाए। हाँ होता है ना, जब तो बेतवा नदी नदी हुई लगी हुई है, बेतवा इधर पास से निकली हुई, तो वहाँ से क्या पानी अवेलेबल हो जाता है। कौन कौन सी नस्ल ले लेते हैं चावल की? बासमती उगाते हैं हम तो। अच्छा बासमती उगाते, बड़ा काम है मतलब। हाँ अल्लाह का शुक्र ठीक है। तो मतलब खेती में अनुभव कैसे, आप खेती में इन्वॉल्व होते हैं फैमिली के साथ? खेती में इन्वॉल्व होता हूँ। कैसे एक्सपीरियंस है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कैसी है? क्रेडिट की अवेलेबिलिटी भाई ऐसी है, देखो खेती के अंदर ऐसा रहता है फर्टिलाइजर जो रहते हैं वो आपको क्रेडिट में अवेलेबल मिल जाते हैं। अच्छा जो भी फर्टिलाइजर सरकारी में कह रहा हूँ, जैसे आपका तो लंबा काम है, लेकिन जो लोग उतना मतलब जिन पर बरकत नहीं रही है ठीक है नहीं है तो उन लोगों को तो सोसाइटी से जाके लेना पड़ता है, तो कितना आसान है कितना मुश्किल है यहाँ पे? मुश्किल तो आप कुछ भी नहीं है, मिल जाता है सब अवेलेबल। अच्छा, हो जाता है सरकारी वाला भी मिल जाता है, सोसाइटी वाला मिल जाता है, लेकिन उसका क्या रहता है कुछ स्टॉक रहता है, अगर वो स्टॉक में आप पहुँच गए तो वहाँ अवेलेबल मिल जाता है आपको, अगर आप थोड़ा लेट पहुँचे या आपने थोड़ा सा वो करा तो वो मुश्किल हो जाता है फिर सब। अच्छा लेट हो जा रहा है फिर? हाँ ठीक है। और खेती बढ़िया हो जा रही है? हाँ खेती तो बढ़िया बेहतरीन हो रही है। अच्छा ठीक है, ये अच्छा लगा मतलब ऐसे भी किसान जो लोग जिनके अपने अनुभव ठीक हैं। किसानी की बात की हमने और ये तो एक मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ पे कोई किसान मिल जाएगा जो इतना हिप होगा और इतने अच्छे से बताएगा। चाय हमने आपको पिलाई इतवारा की और ये बताया
कि यहाँ पे जो वोटर्स हैं, खास तौर पे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, और जो यहाँ के पुराने लोग हैं उनके अनुभव, उनके हिसाब से यहाँ के सांसदों के साथ कैसे रहें जो रीसेंट पास में यहाँ पे रहें। तरुण के साथ इतवारा से मैं हूँ निखिल, देखते रहिए dillallantop.com। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।